Hey guys, क्या हाल चाल आप सभी का। आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहे। आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस 17 के बारे में। बिग बॉस 17 में फिर से हो गया तहलका। बिग बॉस दिए थे सभी कंटेस्टेंट को एक मौका किसी एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का। एक्चुअली 3 दिन वॉटर एक कंटेस्टेंट के सर पर मारना था और उन्हें नॉमिनेट करना था। पर इससे पहले औरा भी पहुंचे हुए थे बिग बॉस हाउस में। उन्होंने एक बहुत अच्छा गाने को गाया, सभी कंटेस्टेंट झूमते हुए नजर आए उनके इस गाने पर। इधर समर्थ कांच का बॉटल अभिषेक के सर पर फोड़े, पर अभिषेक काफी तिलमिला गए क्योंकि उन्हें लगा कि जो भी कांच का बॉटल उनके सर में फोड़ा गया है वो काफी जोर से उनके ऊपर वार किया गया था। और इसी पर वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चपेट मारूंगा। आज औरा की परफॉर्मेंस होगी। जब भी लोगों के आपस में लड़ने की आवाज प्ले होती है तब कोई भी 3 सदस्य वहाँ मौजूद काउंटर पर जाएंगे और इन्हीं 3 सदस्यों के सर पर वहाँ मौजूद बॉटल्स को उन्हें कैप्टन बनने की रेस से बाहर कर देंगे। नील भट्ट नॉमिनेटेड है तो मुझे पता नहीं कि अभी वीकेंड के वार में अगर वो कहीं नॉमे तो कैप्टेंसी काम आएगी कि नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि अनुराग खुद भी बहुत लेजी हैं। लेट दिखता है कौन सुबह सबसे लेट उठता है। मनारा आपके लिए बचते हैं कुकुड़ भूल गए क्या? तो ये खुद को संभाले वही बहुत बड़ी बात है, मोहल्ले को संभाले तो वो तो बहुत अलग चीज गर्ल है। उन्होंने भी बायस डिसीजन लिया। मैंने टास्क को टास्क के हिसाब से मार सकते हैं कि मैं चपेट मार सकते हैं क्या चूहे के? गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। यही आता है तुम्हें इसी के आपको पोक करना है। अभी तेरा वो चूजा इतनी जोर से मार रहा है मेरे को, वो नहीं तेरे को दिख रहा? तू पे ऐसे मारूंगा ना मैं। क्या करना चाह रही है कि मैं क्या करना चाह रही है? ईशा इसी के कर रही है, आप पोक कर रही है, तेरा बॉयफ्रेंड मुझे पोक कर रहा है। इधर मुनावर और मनारा के बीच फिर से हो गई आर्ग्यूमेंट। पर अगर वो लड़की यानी कि आयशा खान कोई भी बदतमीजी करेगी तो मैं उसे कॉल आउट जरूर करूंगी। और इसी पर रिप्लाई करते हुए मुनावर कहे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यू डोंट मेक फन ऑफ हर। आप मुझे उनको डिफेंड करने की वजह से गलत नहीं बोल सकते। लेकिन आज की लेटेस्ट खबर ये है कि मुनावर ने आयशा खान को किया प्रपोज। मुनावर आयशा खान के साथ बिग बॉस हाउस में डिस्कस करते हुए नजर आए फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज। और साथ ही साथ मुनावर आयशा से पूछे, यदि हमारी आपसी के झगड़े खत्म हो जाए क्या आपका फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगा फ्यूचर में? पर आयशा बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाती है मुनावर पर और वो कहती है कि आप डबल डेटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। खुद भी बहुत लेजी है। लेट दिखता है कौन सुबह सबसे लेट उठता है? मनारा आपके लिए बचते हैं कुकुड़ क्या? तो ये खुद को संभाले वही बहुत बड़ी बात है, मोहल्ले को संभाले तो वो तो बहुत अलग चीज गर्ल है। उन्होंने बहुत बायस डिसीजन लिया। मैंने टास्क को टास्क के हिसाब से मार सकते हैं, मैं चपेट मार सकते हैं क्या चूहे के? गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। यही आता है तुम्हें इसी के पोक आपको अभी आपको पोक करना है। अभी तेरा वो चूजा इतनी जोर से मार रहा है मेरे को, वो नहीं तेरे को दिख रहा? तू पे ऐसे मारूंगा ना मैं। क्या करना चाह रही है कि मैं क्या करना चाह रही है? ईशा इसी के कर रही है, आप मुझे पोक कर रही है, तेरा बॉयफ्रेंड मुझे पोक कर रहा है।